फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त रहिए, क्योंकि कब क्या होता है पता नहीं चलता। कब कौन सा शो आ जाए, कौन सा आपको शो पसंद आने लगे पता नहीं चलता। शो बहुत आते हैं, हर हफ्ते हम एक ना एक शो हर चैनल पर देखते हैं, या कोई अपडेट आ जाती है नए चैनल पे, या फिर नए शो की अपडेट आ जाती है, हम हर दिन यही देखते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जो है आपका जो भी शो शुरू हुआ है दंगल पे, जिसका नाम जो है मिलके भी हम ना मिले, या फिर हम ये कहें कि सोनी पे एक नया शो शुरू हुआ है जिसका नाम है कुछ रीत जगत की ऐसी, तो ऐसे में दोनों ही शो का कॉन्सेप्ट में आपको किसका कॉन्सेप्ट सबसे अच्छा लगा? देखिए डियर, शो बहुत अच्छे होते हैं, सब तारीफ करते हैं, डिपेंड करता है जब उनकी टीआरपी अच्छी निकल कर आती है ना, तो घर घर में उनकी चर्चाएं होती है, और जब टीआरपी अच्छी निकल कर नहीं आती है तो पता ही नहीं चलता शो में क्या हो रहा है, कब आया कब चला गया पता नहीं चलता। लेकिन कहा जा रहा है कि सोनी पे रियलिटी शो ज़्यादा पसंद नहीं किए जा रहे हैं, अब जो डेली शॉप के शो हैं वो ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं, फिर चाहे काव्या हो या मेहंदी वाला घर हो, दबंगी हो, या फिर अदर शो जो आ रहे हैं जैसे कुछ रीत जगत की ऐसी भी। लेकिन यहाँ दो नए शो पिछले हफ्ते शुरू हुए, अब अगर दोनों में से बात करें कि आपको किसका कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छा लगा है और किसकी टीआरपी क्या आ सकती है, तो डियर जो है अगर फैंस की माने तो फैंस को जो है जो शो पसंद आया है मिलकर भी ना मिले, जो दंगल पर शुरू है, उसकी कहानी फैंस को काफ़ी पसंद आई है, उसके प्रोमो फैंस को काफ़ी पसंद आए हैं, और ऐसे में उसकी टीआरपी 0.6 या 0.7 बता रहा है ओपनिंग टीआरपी। ऐसे में वो और भी अच्छी देगा, लेकिन शुरुआत में उसकी इतनी बताई जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो फीमेल की एक्टिंग है वो थोड़ी सी हलचल में ज़्यादा दिखाई गई है, या कहें कि जो है ऐसा लग रहा है कि अभी पूरा फोकस लड़की पे ही किया गया है। अब बात करते हैं कुछ रीत जगत की ऐसी भी, कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रहा है, लेकिन अभी स्टोरी को खींचते हुए दिखा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जो हमें प्रोमो दिखाया था शादी भी हो गई थी और वो दहेज के लिए लड़ रही थी, तो बिल्कुल जो है अगर लेट कर दिया तो फैंस को शुरुआती स्टोरी इतना दिल को नहीं छू रही है, लेकिन एक्टिंग जो है मीरा की बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही है। ऐसा लग रहा है कि बस शो अगर देखा जा रहा है तो मीरा की वजह से देखा जा रहा है, जो उसमें मेन लीड में एक्टर्स हैं, तो उसकी टीआरपी 0.4-0.5 बता रहा है। अगर ये एक हफ्ते के अंदर शादी तक का ट्रैक ले आते हैं तो मे भी शो की उम्मीदें काफ़ी जुड़ेंगी, नहीं तो शो में कब क्या होगा पता भी नहीं चल रहा। तो ऐसे में दोनों शो में से आपको किसका कॉन्सेप्ट या किसकी एक्टिंग या किसकी टीआरपी अच्छी लगने वाली है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए डियर लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।